हेलो दोस्तों, अब तक जितने वीडियो आप लोगों ने देखी उन सब में मैंने बताया कि कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, कैसे कैसे आपको उनसे बचना है। और हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, योगी आर्ट डिज़ाइन स्कूल, लेकिन अब तक बताया नहीं था कि हम लोग क्या सिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सब बताऊँगा डिटेल में कि हमारा कोर्स बाकियों से अलग कैसे है, हम लोग क्या क्या बताने वाले हैं, कैसे बाकियों से अलग है। देखो, हमने ना दो तरीके के कोर्स रखे हैं। पहला फ्रेशर्स के लिए, जिनको हम कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। दूसरा उनके लिए जो कहीं ना कहीं कोर्स कर चुके हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग स्किल में। तो मैंने ना एक प्रॉब्लम देखी थी कि अभी जो डिमांड है मार्केट में, होता क्या है कि आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाया, कोई पोस्टर बनाया, स्टिल क्रिएटिव बनाया, अगर आप उसको एनिमेट कर देते हो तो ये बन जाता है मोशन ग्राफिक्स। एनिमेट करने के लिए आपको चाहिए होता है कम से कम आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो। मैंने जो बाकी इंस्टीट्यूशन में जाके बात की थी कि भाई आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो को भी इंक्लूड रखो, इन लोगों ने उसको नहीं रखा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं की गई थी, हमने कोशिश करी है वो अपने इसमें रखें। तो एक बार मैं आपको मोशन ग्राफिक डिज़ाइन का जो कोर्स है पूरा वो समझा देता हूँ कि हम उसमें क्या करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। और आपको एक बात बता दूँ, ये वाला कोर्स पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं है। आपको अगर यकीन ना हो तो इस कोर्स को पूरा देखना, सच में आपको ये मिलेगा ही नहीं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में, छोटे इंस्टीट्यूशन में, पूरे इंडिया में इस तरह का कोर्स अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है। तो क्या खास है इस कोर्स में? 8 महीने के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें 5 सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, 2 महीने का फोटोशॉप रहेगा, 1 महीने का इलस्ट्रेटर, 1 महीने का कोल ड्रॉ, 2 महीने की प्रीमियर प्रो और 2 महीने का आफ्टर इफेक्ट। देखो, हम जो सिखाने वाले हैं दो तरीके से सिखाने वाले हैं। डिप्लोमा इन मोशन ग्राफिक डिज़ाइन की बात करूँ फिलहाल मैं, इसमें क्या होगा, एक साथ क्लास चलेगी आपकी टूल्स की, सॉफ्टवेयर की, यानी कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक क्लास वो चलेगी, एक क्लास चलेगी आपकी डिज़ाइनिंग स्किल की। अब आपको कहोगे डिज़ाइनिंग स्किल तो फोटोशॉप कोड ड्रॉ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिज़ाइनिंग स्किल एक अलग ही चीज़ है। तो मेरा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा फोकस है टेक्निकल स्किल को अच्छा इम्प्रूव करना, सॉफ्टवेयर तो रहेंगे साथ साथ। तो कैसे, एक बार ज़रा नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साथ साथ आपकी क्लासेस चलेंगी। फोटोशॉप चलेगा पहले 2 महीने में, फोटोशॉप बहुत बड़ा है, उसको 1 महीने में समेटना बहुत मुश्किल है। तो फोटोशॉप की जो टूल्स क्लास चलेगी, सॉफ्टवेयर क्लास चलेगी, वो 2 महीने तक चलेगी लगातार। 1 घंटा फोटोशॉप की क्लास चली, अब 1 घंटा चलेगी डिज़ाइनिंग की क्लास। तो डिज़ाइनिंग की क्लास में क्या क्या होगा? सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग कितने तरीके की होती है, बहुत तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, इन्फोग्राफिक हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए। तो पहले डिज़ाइनिंग के तरीके बताए जाएंगे। फिर आता है आपको कलर थ्योरी एंड कलर सिलेक्शन। कलर सिलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिज़ाइनर्स की, इस तरीके की चीज़ सिखाई जाएगी। फिर आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग। बहुत तरीके के डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो शायद सिखाए ही नहीं गई, ये सिखाए भी जाएंगे, इसको यूज़ कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। फिर आता है लेआउटिंग क्रिएटिंग, लेआउट कैसे बनाना है, किसी डिज़ाइन का लेआउट कैसे किया जाता है। एक बार लेआउट सीख गए ना, फिर चाहे पैकेजिंग हो, इन्फोग्राफिक हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो आप बना सकते हो। फिर आता है लाइटनिंग एंड शेडो, किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से एनहेंस करना है, या किसी भी क्रिएटिव को, नॉट इवन अ प्रोडक्ट, किसी भी क्रिएटिव को बहुत अच्छा एनहेंस करके दिखाना है, बहुत लाइटिंग एंड शेडो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्लिच इफेक्ट, इस तरीके के इफेक्ट बच्चे यूट्यूब पे सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, थोड़ा इधर से सीखा, थोड़ा उधर से सीखा, इनको मालूम ही नहीं होता कि ऐसे इफेक्ट्स को कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में यूज़ कैसे करना है। फोटो रिटचिंग, फोटो रिटचिंग एक बार सीख जाओगे तो फिर स्किन रिटचिंग हो गया, प्रोडक्ट की रिटचिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। फोटो मैनिपुलेशन, अगेन फोटो मैनिपुलेशन हर जगह काम आने वाला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर, पोस्टर के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे कैसे पोस्टर बनाए जाते हैं, ये सब आप पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हो। डबल एक्सपोजर, डिजिटल पेंटिंग, नियॉन इफेक्ट, ये सब चीज़ें बच्चे यूट्यूब पे टुकड़े टुकड़े में सीखते हैं। हमने इस कोर्स को सही से बनाया है। ये है पहले 2 महीने के अंदर फोटोशॉप में। अगले 3रे महीने में फिर आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो कोरल ड्रॉ की क्लास साथ साथ चलती रहेंगी, डिज़ाइनिंग की क्लास साथ साथ चलती रहेंगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 घंटा सॉफ्टवेयर, 1 घंटा डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में और चलेगा एलिमेंट्स ऑफ विजुअल डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग जब बनाते हैं, कोई पोस्टर बनाया, तो बहुत तरीके के एलिमेंट्स लगते हैं, सपोर्टिव एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स, कैरेक्टर एलिमेंट्स, साइड एलिमेंट्स, इस सब पे अच्छे से डिटेल में सिखाया जाएगा। फॉन्ट सिलेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में बच्चों की, फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है। टाइपोग्राफी क्या होती है, टाइपोग्राफी की पूरा कंसेप्ट सिखाया जाएगा। आइडिया विजुअलाइजेशन, किसी डिज़ाइन को सोचना कैसे है, जो कि आज की डेट में हर बच्चे की प्रॉब्लम है। डिज़ाइन सोचते कैसे हैं, कैनवा पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि सोचना ही भूल गए हैं। डिज़ाइन प्रोसेस, 0 to end
डिज़ाइन की प्रोसेसिंग क्या होती है, स्टार्ट कैसे करना है, उसको क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर फाइनल टच कैसे डालना है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, तो पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस बताई जाएगी। इंडस्ट्री वाइड डिज़ाइन ये क्या होता है, फूड इंडस्ट्री है तो उसके अलग कलर्स होते हैं, अलग फॉन्ट होते हैं। स्पोर्ट की इंडस्ट्री है उसके अलग कलर होंगे। फैशन इंडस्ट्री अलग कलर्स होते हैं, अलग सिलेक्शन होता है। ये सब सेपरेट बताया जाएगा कि कैसे इस पर काम करना है। सोशल मीडिया एंड कॉर्पोरेट डिज़ाइन, सेल क्रिएटिव यानी कि एड क्रिएटिव, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में कि नॉर्मल सोशल पोस्ट और एक एड क्रिएटिव में जमीन और आसमान का फर्क होता है। पैकेजिंग डिज़ाइन, ओवरऑल पैकेजिंग की डिज़ाइन कैसे की जाएगी। प्रिंट एंड पब्लिकेशन, कुछ भी डिज़ाइन बनाया, लीफलेट बनाया, कुछ भी बनाया, उसको प्रिंट फाइल कैसे तैयार करके देनी है, ये सारी चीज़ सिखाई जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन क्या होती है, आपने एक होर्डिंग के लिए डिज़ाइन बनाया, एक मैगजीन के लिए बनाया, एक यूट्यूब चैनल के लिए बनाया, सब अलग अलग तरीके के डिज़ाइन है। होर्डिंग में 2 सेकंड में देखना है, मैगजीन पे देखने के लिए बहुत सारा टाइम है। ये पूरी सेंस सिखाई जाएगी कि कहाँ पे किस तरीके की टाइपोग्राफी रखनी है, किस तरीके की डिज़ाइन रखना है, कैसे कलर रखना है। तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये क्लियर किया जाएगा। कैंपेन डिज़ाइन, कैंपेन डिज़ाइन पूरा कैंपेन लॉन्च कैसे करना है, पूरा कलर स्कीम क्या होगी, ओवरऑल कैंपेन डिज़ाइन की पूरी क्लास दी जाएगी। वेक्टर आर्ट, बहुत तरीके की आर्ट होती है, वेक्टर आर्ट एक इलस्ट्रेशन का पार्ट है, तो वेक्टर आर्ट भी सिखाया जाएगा। ब्रांडिंग, आज एक बच्चा बात कर रहा था कि डिज़ाइनिंग और मतलब क्लाइंट कैसे उठते हैं, तो डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है, ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है। एक सोशल पोस्ट बना देना अलग बात होती है, पूरे ब्रांड को खड़ा कर देना जीरो टू एंड तक, ब्रांडिंग के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर था, मैंने दोबारा दोहरा देता हूँ, पहले 2 महीने फोटोशॉप, फिर कोलरड्रो 1 महीना, फिर इलस्ट्रेटर 1 महीना, ये साथ साथ चलेगा। 5वें और 6वें महीने में आपका प्रीमियर प्रो स्टार्ट हो जाएगा। प्रीमियर प्रो में आपको वीडियो के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे कि वीडियो एडिटिंग करनी कैसे होती है, साउंड के साथ वीडियो को कैसे मैच कराना है, कट्स कैसे लगाने हैं, तो कंसेप्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ मोशन ग्राफिक्स, किसी डिज़ाइन को बनाया उसमें मोशन कैसे डालने हैं, जिसको मोशन ग्राफिक जो हमने कोर्स बनाया है पूरा एनिमेट करना सिखाया जाएगा इसमें। तो यहाँ तक आते आते आपका आफ्टर इफेक्ट शुरू हो चुका होगा 7वें और 8वें महीने में, 2 महीने पूरे आफ्टर इफेक्ट में हम लोग देंगे। यहाँ पे आप मोशन ग्राफिक स्टार्ट कर चुके होंगे पूरे तरीके से। इसके अलावा आएगा कंसेप्ट ऑफ एड वीडियो एडिटिंग, यानी कि कमर्शियल एड जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। शुरू के 6 सेकंड में आपको सारी बात कहनी है, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, आप देखते हो कि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि आपकी ऐड देखी जाए, क्या तरीका है कि आपकी ऐड देखी जाएगी, तो कंसेप्ट ऑफ एड वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाएगी। फिर आता है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी होते हैं डिज़ाइनर्स के, क्लियर कर देता हूँ, हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन सिखाएंगे, किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे रिटर्न टेस्ट होता है, क्या इंटरव्यू पूछा जाएगा, कैसे कैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। फिर आएगा हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो, अगेन मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहता है कि बच्चों का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रेडी कराया जाए, पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होगा तो जॉब कैसे मिलने वाली आपको। फिर आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन, देखो बाकी इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आपको एक वादा करते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी, इसके साथ एक वर्ड होता है 100% प्लेसमेंट गारंटी गाइडेंस, गाइडेंस वर्ड खा जाते हैं ये लोग, बताते नहीं हैं ये लोग क्या करते हैं, आपको एक इंटरव्यू करा दिया, मैंने मान लो आपको एक इंटरव्यू आपका हो गया, 2 महीने आपने जॉब करी, वो आपको निकाल देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू तक का होता है। 2 महीने बाद आप जब दोबारा कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको क्रैक करना नहीं आता। मेरा फोकस है इंटरव्यू क्रैक करवाने पे, मैं बच्चों को इंटरव्यू क्रैक कराने पे रेडी कराऊंगा, ऑल्दो मैं प्लेसमेंट भी करवाऊंगा, बट मेरी कोशिश है बच्चों का इंटरव्यू क्रैक करने का सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। सबसे लास्ट में आएगा मॉक इंटरव्यूज़, आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि इंटरव्यू देना कैसे है। तो ये पूरा 8 महीने का हमारा कोर्स था, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, आफ्टर इफेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। इसके अलावा आप फोटो रिटचर बन सकते हो, फोटो रिटचर एक वो होता है जो प्रोडक्ट की रिटचिंग करता है, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ फोटो रिटचर की एक अच्छी खासी डिमांड है। इसके अलावा आप वीडियो एडिटर बन सकते हो क्योंकि हमने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूड रखा है, यानी कि एक छोटे से कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें समेटी हैं। यहाँ पे बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ की उनकी चालाकी यही थी कि उन लोगों ने प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट को अलग कर दिया था, और जो कोर्स उन्होंने बनाया उसमें वो UX UI डिज़ाइन घुसेड़ देते हैं। तो देखो प्रॉब्लम यही आती है जब आप UX UI डिज़ाइन या एनिमेशन या 3D एनिमेशन जब करके बाहर निकलते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो करना क्या है। UX UI डिज़ाइन एक अलग ही फील्ड है। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, आप लेआउटिंग बना सकते हो। मैंने कितनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी हैं, आपको वेबसाइट डिज़ाइन की लेआउटिंग करके आप ही को देनी होती है, डिज़ाइनर को ही देनी होती है, बाद में प्रोग्रामर उसको कन्वर्ट करता है वेबसाइट में। इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि UX UI डिज़ाइन अपने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में घुसेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहे हो तो प्रॉपरली उसी में आओ,
इन फ्यूचर हमने कुछ कोर्सेज और रखे हैं, यूएक्स यूआई डिजाइन के कोर्स रखे हैं, बट वो हमने इन फ्यूचर प्लान किए हैं, अभी स्टार्टिंग में हम ये नहीं रख रहे हैं। फ्यूचर में हमारे कुछ कोर्सेज हैं, पहला है यही यूएक्स यूआई डिजाइन का कोर्स, दूसरा है फोटोग्राफी का एक कोर्स हम लेके आ रहे हैं, तीसरा वीडियोग्राफी का हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं। ये हमारे प्लान कोर्स थे लेकिन मैंने होल्ड करवा दिए, मुझे था पहले ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद हम देखेंगे। अब बात करता हूँ दूसरे कोर्स की, कि दूसरा कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स इन्होंने कर लिया है बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि गलत जगह से कोर्स कर लिया है, टूल सीखे हैं, या ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कोर्स कर रहे हैं बट उनकी स्किल अपग्रेड नहीं हो रही है, सैलरी ही नहीं बढ़ पा रही है, 25,000-30,000 में फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम यही है कि अपने स्किल को अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे। उन लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स मैंने बनाया है, एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जितना मैंने अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में बताया था ये सारा उसमें रहने वाला है, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहने वाले। तो सॉफ्टवेयर का सारा टाइम आपका बचेगा, सारा फोकस आपका स्किल पे रहेगा। ये पूरा कोर्स हम सिर्फ 2 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि इंस्टीट्यूशंस में ना एक क्लास देते हैं वो ड्राइंग की क्लास, मतलब पूरा 1 घंटा ड्राइंग पे पूरा निकल जाता है, बच्चा कुछ टाइम होता है फिर वो पेन टूल वगैरह पर सिखाने में लग जाते हैं। मेरा मानना है कि ड्राइंग जब सामने वाला आर्टिस्ट है ही नहीं, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट ही नहीं, तो उसको ड्राइंग सिखानी भी क्यों? पहले मेरे दिमाग में गलतफहमी होती थी क्योंकि मेरा ना बैकग्राउंड भी ड्राइंग का रह चुका है, मैं खुद स्केचिंग करता था, तो मुझे गलतफहमी थी कि जिसको ड्राइंग नहीं आती उसको डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए। लेकिन मेरी गलतफहमी दूर हो गई धीरे धीरे जब मैंने काम करना शुरू करा, मेरे साथ के बच्चे देखे, मैंने वो कोई स्केचिंग में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी अच्छा खासा डिज़ाइनर है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। तो फ़ायदा नहीं है ना 1 घंटा बच्चे का सिर्फ ड्राइंग में बर्बाद करने का, अगर उसका इंटरेस्ट है तो खुद कर ही लेगा। फोकस हमारा सॉफ्टवेयर पे और स्किल पे है। तो मेरी बात हो रही थी एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की, तो ये उन लोगों को करना चाहिए जिनको अपनी सैलरी अपग्रेड करनी है, जिनको जॉब नहीं मिल रही। और बहुत सारे बच्चे, 2 दिन पहले ही 2 बच्चे आए थे, लिटरली 3-3 लाख रुपये का कोर्स करके पछता रहे थे। मैंने उनको बोला कि भाई कोर्स, एडवांस वाला कोर्स आप लोग करो। उनका था नहीं सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट हो गया, एक स्कैम हुआ हमारे साथ एक स्कैम हो गया, जो हम बता भी नहीं सकते कैसा स्कैम हुआ है, घर वालों को नहीं बता सकते। तो ऐसे स्कैम जिनके साथ हो गए उनके लिए ये कोर्स बनाया मैंने, अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकें। अब कुछ सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में हैं, जो बच्चे बार बार पूछते हैं, सर्टिफिकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो देखो सर्टिफिकेशन प्रॉपर, हमारा इंस्टीट्यूट एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, सबको डिप्लोमा मिलेगा प्रॉपरली, डिप्लोमा दिखा के आप मार्केट में जॉब भी ले सकते हो आसानी से। इसके अलावा एक चीज़ हमने इसमें एक्स्ट्रा रखी है, वो है लर्निंग विद अर्निंग। लर्निंग विद अर्निंग का एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आए हैं। जिन बच्चों को मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं डिज़ाइनिंग में, जिनका मुझे काम समझ में आएगा, क्योंकि देखो मैं ना भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा, मैं टीम बना रहा हूँ, मेरे पास पहले से इतना काम आता है, मैं टीम तैयार कर रहा हूँ, मैं मार्केट में टीम उतारने वाला हूँ जिनको बहुत अच्छा आता हो। लर्निंग विद अर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों का मुझे लगेगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, इनको अर्निंग की भी नीड है, तो मैं उनको खुद काम दूंगा, मैं उनको काम प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास दिन में यकीन इतने कॉल आ ही जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, कोई ना कोई पूछ लेता है भाई डिज़ाइनर भेज दो, वो भेज दो। तो लर्निंग विद अर्निंग के कंसेप्ट के साथ आप कमा भी सकते हो और सीख भी सकते हो। तो हमारा एक पूरा के टीम काम कर रही है जो आपके लिए काम ला के देगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लर्निंग विद अर्निंग का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट है कि भाई मैं सिखाऊंगा या कोई और सिखाएगा, तो देखो भी यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप चल रही है, मैं ही सिखाने वाला हूँ डिज़ाइनिंग की, जो अपनी पूरी स्किल है वो आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ मैं। तो डोंट वरी कि कोई और सिखाएगा। इन फ्यूचर अगर हमें लगेगा कि हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड में है, या बच्चे, क्योंकि अभी भी इतने बच्चे आ रहे हैं मैं मना भी नहीं कर पा रहा, तो हम सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए कोई डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं, बट स्किल जो है, जो डिज़ाइनिंग की स्किल जिस पर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, ये मैं ही सिखाने वाला हूँ। अनटिल अनलेस जब तक मुझे लगेगा नहीं कि बहुत कोई आ गया, बहुत महारथी आ गया सिखाने वाला, तब तक ये स्किल मैं ही सिखा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड क्लास होगी? तो एकदम लाइव क्लास होगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज यहाँ पे हैं। जो ऑनलाइन करेंगे उनके लिए लाइव क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी। एक बात और क्लियर कर दूँ, हमने ना पहले जो लोकेशन ली थी वो साउथ दिल्ली के अंदर शाहपुर जट में ली थी, ये हौज खास मेट्रो स्टेशन के एकदम पास में है, जगह एकदम फाइनल हो गई थी, हमने होर्डिंग वगैरह लगा लिया, सब सेटअप कर लिया। लेकिन बाद में जब बच्चों की विजिटिंग स्टार्ट हुई तो बच्चों ने पहले ही तो बोला कि देखो सर जगह तो बहुत अच्छी है बट अंदर बहुत है, गली के अंदर बहुत पड़ रहा है, ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो स्टार्टिंग में जब हमने नोटिस किया कि बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमने जगह को चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम था। स्टार्ट होने के बाद चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जो हमने फाइनल लोकेशन लिया वो है आश्रम चौक पे, गेट मेट्रो गेट नंबर 2 से निकलते के साथ ही है।
तो वीडियो में भी मैं दिखा चुका था, शाहपुर जेट वाला ऑफिस दिखा चुका था, तो प्लीज़ डाउट मत करना किसी ने दिखाया कुछ था और अभी जगह कोई और है। वही दिखाया था जो हमने पहले फाइनल किया था, अभी हम लास्ट मोमेंट पे हमको चेंज करना पड़ा क्योंकि इसके बाद चेंज करना शायद मुश्किल होता। तो देखो ये सारा कोर्स था जो मैंने क्लियर कर दिया है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। 8 महीने में पूरे अपने 8 साल की एक्सपर्टीज इसमें डाल दी है और पूरे इंडिया में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का कैटलॉग ब्राउज़र डाउनलोड करके देख लो, ये कोर्स मॉड्यूल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस वीडियो के बाद अगर ये लोग बना लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल पूरे इंडिया में कोई नहीं सिखा रहा। डिज़ाइनिंग छोड़ के दुनिया भर में फोकस कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग में फोकस ही नहीं कर रहे। तो मेरा यही कहना है कि इस कोर्स को ज्वाइन करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक बहुत अच्छा करियर बनाओ।